करेक्ट आंसर से ये आंसर कितना ज्यादा आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट वी सी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट वी सी मल्टीप्लीकेशन, वी मल्टीप्लाई 7236 मल्टीप्लाई 65। फर्स्ट वी सी मल्टीप्लीकेशन 7236 मल्टीप्लाई 65। 5 6 का 0 एंड 3, 5 की का 15, 16, 17, 18, 8 यहाँ पे 1 के, 5 की का 10 और 1 11, 1 यहाँ पे 1 के, 7 5 का 35 और 1 36, एडिशन करना है, 6 6 का 36, पहले हम 6 ले लिए उससे पहले यहाँ 10 की के से उसका 0 रखते हैं, 6 6 का 36, 6 यहाँ पे 3 के, 6 3 का 18, 18 और 10, 19, 20, 21, 1 यहाँ पे 2 के, 6 2 जा 12, 12 और 2 40, 4 यहाँ पे 1 12, 6 7 जा 40, 42 और 1 40, 3। अब हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, 0 का 0 8 और 3 40, 1 यहाँ पे 1 12 और टोटल 1 3, 6 और 4 1 शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ती है, 200।
150 तो 4000 को 250 से हम डिवाइड करेंगे. लेट्स सी 4000 डिवाइड बाय 250 हम 400 में से 250 का कट करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 185 आएगा. हम जीरो को नीचे लाएंगे यहां पे जीरो रख दिया तो 1850 में से 1720 को माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 130 आएगा. तो हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आया 18 तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 18 शर्ट कैन बी स्टिच्ड. 18 शर्ट बनेंगे कितने कपड़े में से 4000 सेंटीमीटर जो कपड़ा है हमारा उसमें से 18 शर्ट स्टिच होंगे एंड 130 सेंटीमीटर यहाँ पे जो हमारा 130 है ना 130 सेंटीमीटर क्लोथ रिमेन होगा हमारा 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा. नाउ आपको होमवर्क में क्या करना है सॉल्व क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11 and 12 क्वेश्चन 8 and 9 को आज हमने यहाँ पे कर दिया तो उसी के जैसे क्वेश्चन 7, 10, 11, 12 तो ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में है उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है इन योर मैथ्स नोटबुक.